अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ स्टडी करेंगे और ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के 26 साल हैं। इससे पहले हमने देखा गयासुद्दीन तुगलक की लाइफ और ये देखा कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। फरवरी 1325 में उनकी डेथ हुई, एक वुडन पवेलियन खड़ा किया गया उनकी रिसेप्शन के लिए और वो हिस्टोरियन लिखते हैं कि पवेलियन इतना कमज़ोर था कि जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक का हाथी उस पर आया तो गिर गया और उससे उनकी डेथ हो गई। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि उनकी डेथ जो है उसमें उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ है, क्योंकि ये उनसे हुकूमत लेना चाहते थे। तो बहरहाल इसकी कोई इसको बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसकी नफ़ी भी की है, कुछ ने इसकी इसको सपोर्ट भी किया है, बट ये बात है कि उनकी डेथ 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक उनके बड़े बेटे थे, काफ़ी एजुकेटेड थे और पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेज में, तुर्किश लैंग्वेज में, रिलीजन में, लॉजिक में, फिलासफी में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, कैलीग्राफी, इनमें एजुकेटेड थे, एक्सपर्ट थे, काफ़ी ज़्यादा लर्नड किस्म के इंसान थे। और उसके अलावा वो रिलीजियस माइंडेड थे, 5 वक्त के नमाजी थे और रोज़े भी रखते थे। फिर उनका उनके शख्सियत का पहलू ये है कि मिलिट्री अफेयर्स में उनको कमांड हासिल थी। उनके बारे में हिस्टोरियन ने यह भी लिखा है कि ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स और वो हिंदू फेस्टिविटीज़ में भी शिरकत करते थे। फरवरी 1325 में तख्त पे आए अपने वालिद की वफात के बाद, और अब हम उनके कुछ ऐसे डिसीजंस का जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं और जिनकी वजह से बहुत सारी तनकीद उन पर होती है। जिनमें सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था वो था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसका पुराना नाम देवगिरी था। 1327 में इन्होंने फैसला किया कि अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद को शिफ्ट किया जाए, और इसकी लॉजिक ये थी कि एक तो देवगिरी बहुत ज़्यादा मालदार किस्म की रियासत थी, दूसरा वहाँ पे ये इन्होंने समझा कि हम नॉर्थ और साउथ सब कॉन्टिनेंट को या एम्पायर को या सल्तनत को अच्छे तरीके से एक मरकजी लोकेशन से कंट्रोल करेंगे। तो दौलताबाद की लोकेशन की वजह से और प्लस थोड़ा दिल्ली के माहौल से मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो तंग भी आ गए थे, तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया और साथ ये भी कहा कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी मूव करेगी, कोई भी यहाँ पे दिल्ली में नहीं रहेगा। और फिर ये सारे लोग वहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया कैपिटल, ने सफ़र किया दिल्ली से अवाम ने देवगिरी की तरफ यानी दौलताबाद की तरफ। रास्ते में अरेंजमेंट काफ़ी सारे किए गए थे, रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे, क्याम गाहें बनाई गई थी रास्ते में, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बूढ़े और ऐसे मरीज लोग जो थे वो रास्ते में ही फौत हो गए थे। लेकिन फिर इन्होंने वहाँ जाके 8 साल रहे, फिर दोबारा इन्होंने 1335 में फैसला किया कि अब हमें वापस दिल्ली चलना चाहिए, और फिर ये लोगों को हज़ारों लोगों को साथ लेके काफ़ी सारे लोगों को साथ लेके दोबारा वापस दिल्ली आ गए 8 सालों बाद। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर आपने कैपिटल शिफ्ट करना था तो आप अपने ऑफिसर्स के साथ और अपने नोबल्स के साथ शिफ्ट करें, ना कि आप पूरी आवाम को ही उधर शिफ्ट करा लें। तो ये इनका एक ऐसी पॉलिसी थी जिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा उनका ये था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए,
फार्मर्स पे, पीजेंट्स पे, और काफ़ी सारे सख्त तरीन जो मैयर ले जाते थे इनको, जो पे नहीं करते थे टैक्सेस, इससे भी काफ़ी बददिली फैली और स्पेशली पीजेंट्स ने खेती बाड़ी करना बंद कर दी। फिर उनको ज़बरदस्ती उनको उनके साथ की गई। ये भी एक इनका इनके रूल का एक ऐसा पहलू है जिस पे क्रिटिसिज्म होती है। एक उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने ऑडिट का निज़ाम बनाया जो कि लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसको उसको एक मेंटेन किया रजिस्टर में, और प्रॉफिट्स और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखवाया ताकि ऑडिट हो सके, ताकि उनसे लैंड रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जा सके, उसका एक रिकॉर्ड करने का सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने फिर एक और डिपार्टमेंट बनाया जिसको कहते हैं दीवाने कोही डिपार्टमेंट। इसका मैंडेट ये था कि वो इनकी सल्तनत में ऐसी जगहें देखे जो कि कल्टीवेटेड नहीं है, और ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे मुख्तलिफ फसलें लगाई जाएं। इस पे काफ़ी सारे पैसे खर्च किए, बहुत सारे लोगों को इसमें इंगेज किया गया, बहुत सारे ऑफिसर इसमें उनको टास्क दिया गया, लेकिन ये स्कीम फेल हो गई क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड नहीं थी। यानी ये ऐसे नहीं थी कि जिस तरह की ज़मीन होगी उस तरह की फसलें काश्त होंगी, बल्कि ये तमाम जगहों पे बगैर रिसर्च के फसलें काश्त की गई, जिसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारी बंजर ज़मीन को भी काश्त किया गया जो जिससे फसलें जहाँ पर नहीं हो सकी। तो इस पे भी बड़े क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। फिर इन्होंने एक और सिस्टम लागू किया, टोकन कॉइन्स का सिस्टम, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की कमी थी और ये बहुत सारा इनाम भी बहुत देते थे। इनके बारे में एक और भी बात मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे, बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर दे देते थे। तो ये इनके पास ऐसी धातुओं की कमी थी जिससे, जैसे गोल्ड है सिल्वर है, तुमने ब्रॉन्ज को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो जेली करेंसी है वो छपना शुरू हो गई। फिर जो करेंसी के ऊपर मोनोग्राम था वो कोई इतना यूनिक नहीं था कि उसको कॉपी ना किया जा सके, बहुत सारी काउंटरफीटिंग शुरू हो गई करेंसी की, जिससे बहुत ज़्यादा रियासत का भी नुकसान हुआ और आवाम का भी नुकसान हुआ। इनकी जो डेथ है वो 1351 में हुई, when he was on his way to Thatha Sindh while campaigning against Taghi tribe। तो 1351 में इनकी डेथ हुई, और इस तरीके से ये थे इंडियन हिस्ट्री के 26 साल मोहम्मद बिन तुगलक इनकी लाइफ के। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में, जो कि नेक्स्ट हुक्मरान हैं तुगलक डायनेस्टी के। इस लेक्चर की तैयारी में हमने विकिपीडिया, मुख्तलिफ बुक्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल की हेल्प ली है। होपफुली आपको इस लेक्चर से फ़ायदा होगा। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, बहुत शुक्रिया।